चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर टू में आ रहे हैं हम लोग। उसका एक लिस्ट बनाइए आप। आइए चैप्टर टू। चैप्टर नेम इज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर नेम इज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर पहला है बेसिक्स और ऑब्लिक चेंजेस नोटिसेबल इन मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। सिस्टम वही है कि आप जगह छोड़ देंगे और नंबर टू क्वालिटी मैनेजमेंट। नाउ क्वालिटी मैनेजमेंट का तीन हिस्सा है। 2A कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इसका चार हिस्सा है। नंबर वन कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस। और इसी में वन में लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस। कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस। नंबर टू ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। नंबर थ्री स्टेप्स फॉर प्रिवेंशन appraisal and failure model। इसका फुल शॉर्ट नेम है PAF, PAF model। steps for prevention, appraisal and failure model। फोर्थ है स्टेप्स के लिए जगह ज्यादा चाहिए। फोर्थ है द आइसबर्ग मॉडल। आइसबर्ग मॉडल ये पूरा 2A हुआ। देन देयर इज 2B टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM जिसके अंदर नंबर वन इसका बेसिक्स। नंबर टू 6 C's ऑफ TQM। नंबर थ्री डेमिंग्स फिलोसॉफी। इसका 14 पॉइंट्स है तो अकॉर्डिंगली जगह 14 पॉइंट्स का छोड़ेंगे। इसका नाम ही है डेमिंग्स 14 पॉइंट्स फिलोसॉफी। 14 पॉइंट का जगह होना चाहिए। फोर्थ है डेमिंग्स PDCA साइकिल। इसमें लीव स्पेस फॉर 14 पॉइंट्स। PDCA साइकिल। फिफ्थ है क्रिटिसिजम्स ऑफ TQM। देख रहे थ्योरी कितना एक्सटेंसिव हो गया है।
पहले सिर्फ था व्हाट इज TQM, अब हो गया है इतना सारा अबाउट TQM. देन टू सी, बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल्स. बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल्स बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल्स नाउ ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल्स बोलकर. इसमें दो मॉडल पढ़ना है. नंबर वन EFQM मॉडल, फुल फॉर्म है यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट. एक बॉडी है जो क्वालिटी को सिखाती है यूरोप में, यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल. इसके तीन हिस्से हैं. नंबर ए, एट फंडामेंटल्स. तो ये आपको 8 पॉइंट यहाँ पे नोट करना होगा. 8 फंडामेंटल है. दूसरा नंबर बी, इसमें टू क्राइटेरियाज हैं. टू क्राइटेरियाज हैं और टू क्राइटेरियाज के अंदर एक क्राइटेरिया है नंबर वन, फाइव एनेबलर्स एंड फोर रिजल्ट्स. EFQM मॉडल का स्प्लिट लिख रहे हैं. तो 8 लिखा मैंने, तो 8 पॉइंट लिखने का आपको जगह रखना है. दो क्राइटेरिया में फाइव एनेबलर्स के नाम लिखने होंगे, फोर रिजल्ट्स के नाम लिखने होंगे. नेक्स्ट सी नंबर, रडार अप्रोच. EFQM मॉडल का तीन पार्ट है, फंडामेंटल्स, क्राइटेरियाज एंड रडार. देन सेकेंड मॉडल रडार अप्रोच में RADAR का फुल फॉर्म आएगा. सेकेंड मॉडल है EFQM के बाद बाल्ड्रिज. स्पेलिंग देखिएगा, बाल्ड्रिज. परफॉर्मेंस एक्सेलेंस मॉडल, परफॉर्मेंस एक्सेलेंस मॉडल. बाल्ड्रिज परफॉर्मेंस एक्सेलेंस मॉडल जिसके 7 कैटेगरीज हैं. अब एग्जाम में अगर ऐसे लिखने आ गया बाल्ड्रिज परफॉर्मेंस एक्सेलेंस मॉडल, किसी का बस का बात नहीं, कुछ भी लिखना. तो यू हैव टू स्टडी इट. ओके, देन आफ्टर दिस, दिस वाज 2C के अंदर दो बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल थे, EFQM और बाल्ड्रिज परफॉर्मेंस एक्सेलेंस. अब 2 खत्म हो गया, 3 आ गया. 7 कैटेगरी का जगह छोड़ के 3 आ गया, TOC एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग. TOC एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग, इसके अंदर गोल्ड रैट्स 5 स्टेप्स, गोल्ड रैट्स 5 स्टेप्स आपको सीखना होगा फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस. ओके, तो 5 स्टेप्स के बाद एक और आता है इसमें, नाइन रूल्स ऑफ सिंक्रोनस मैन्युफैक्चरिंग. एंड
अदर कैलकुलेशंस। ये दोनों मैं पढ़ाऊंगा नहीं बिकॉज ये आपका मेरे मैट में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ये आपको एसजेसी मैट से ही मिलेगा। टीओसी के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर था, उधर से हो जाएगा। फोर्थ, आफ्टर टीओसी सबसे एक्सटेंसिव इसमें डाला गया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसको हम लोग वैसे तो एक ब्रीफ सिनॉप्सिस लिए थे इन टारगेट कॉस्टिंग चैप्टर, बट अभी इसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिव पढ़ाई करनी है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर। नंबर ए इसका आ रहा है 8 प्रोसेसेस ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। 8 प्रोसेसेस ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो 8 नाम लिखने। नंबर बी 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें पहला नाम बता ही देता हूं मैं, पुश, दूसरा नाम है पुश एंड पुल। पुश मॉडल, पुल मॉडल। नंबर सी अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसका दो पार्ट है, रिलेशनशिप विथ सप्लायर्स और यूज ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। नंबर डी डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, समझ लीजिए आप जो ये पढ़ रहे हैं ना ये एमबीए की क्लास लग रही है आपकी। एक सेमेस्टर में एमबीए में जो पढ़ाया जाता है वो आपको कुछ ही दिनों में पढ़ाया जा रहा है, एमबीए का एक सेमेस्टर कवर हो रहा है। डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें नंबर वन रिलेशनशिप मार्केटिंग, इसका 6 वैरायटीज है। ओपिनियन मत बनाना दिमाग में, उफ उफ मत करना, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं चाहिए। सोचिए कि एमबीए की पढ़ाई करने को मिल रही है फोकट में। 6 वैरायटीज रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिश्ता बनाओ, रिलेशनशिप माने रिश्ता, रिश्ता बनाओ, और उसमें 6 तरह से रिश्ते बनाए जाते हैं। नंबर 2 CRM कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जैसे एमबीए का सेमेस्टर्स में CRM एक सब्जेक्ट होता है, हम लोग एक टॉपिक की तरह पढ़ रहे हैं अभी। CRM जगह छोड़िए, फिर अगेन यूज ऑफ आईटी और ईडीआई, एंड लास्टली नंबर 4 इज ब्रांड स्ट्रेटेजी। ब्रांड स्ट्रेटेजी, CRM में काफी मतलब नॉलेज लेना पड़ता है। CRM इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट उसके बाद ये सप्लाई चेन का डी हुआ, सप्लाई चेन का ई की प्रोसेसेस
ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें तीन प्रोसेस है, थ्री की प्रोसेसेस, एफ सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स। ये क्या होते हैं? इसका शॉर्ट फॉर्म है SLAs। MBA से बात करोगे ना तो वो लोग सारा ही चीज बोलते हैं, बस शॉर्ट में बोलते हैं, फुटा नहीं बहुत। सो डू यू हैव SLA प्लीज। अब वो ऐसा लुक देगा कि आप कहां से आए हो, SLA नहीं पता है। तो SLA इज सर्विस लेवल अग्रीमेंट। जैसे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो ना, लास्ट में आता है ना आई एक्सेप्ट अग्रीमेंट, कभी कोई पढ़ता ही नहीं है जिसको, वो है सर्विस लेवल अग्रीमेंट, वही है सर्विस लेवल अग्रीमेंट। ठीक है जी। बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन, एंड केस स्टडीज। नेक्स्ट फिफ्थ गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स। सिक्स्थ आउटसोर्सिंग। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। फ्यू, मतलब फर्स्ट अगर इंटरेस्टिंग लगा तो सेकंड उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, थर्ड उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट वैल्यू चेन के बारे में सिखाया, सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, लो कॉस्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उससे जुड़ी हुई बातें हुई। यहां पे क्वालिटी और सप्लाई मेन फोकस पे है। मेन फोकस है इस पूरे चैप्टर का क्वालिटी मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब उसको बहुत इलैबोरेट कर दिया इन्होंने यहां पर। एंड चैप्टर थ्री का फोकस है इनोवेशन के ऊपर कि नया क्या, कैसे। अभी इस चैप्टर का फोकस है क्वालिटी और सप्लाई, इसके ऊपर ध्यान कैसे दिया जाए। आइए पहला हम लोग शुरू करते हैं, बेसिक चेंजेस नोटिसेबल इन योर मॉडर्न एनवायरमेंट। आइए ये देखिए, चार्ट में तो ऐसे इन लोग काफी कुछ बताया है, बट मैंने उसको और इन डेप्थ एनालिसिस कर दिया आपका, है ना। ये चार्ट भी सारा ही चीज बता रहा है। देखिए क्वालिटी मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, TQM है, बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल है, थ्योरी ऑफ कंसर्न है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इतना सारा पार्ट है, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट है। इसको ही मैंने और बेहतर तरीके से बता दिया आपको। मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट, इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप लिख के रखिए रेफर ABC चैप्टर्स क्लास नोट्स ऑल्सो। मेन जो चेंज आया मॉडर्न एनवायरमेंट में वो है बायर्स मार्केट बन गया। ही
बायर्स मार्केट मींस कंपटीशन आने लग गया. ये देखिए, फ्रॉम अ सेलर्स मार्केट टू बायर्स मार्केट, इसके सारे पॉइंट्स यहां पे डिस्कस किए गए. क्या क्या चेंजेस आ गए मॉडर्न एनवायरनमेंट में? ग्लोबलाइजेशन हो गया, फियर्स कंपटीशन, एक्सेस कैपेसिटी इन प्रोडक्शन, मतलब माल बिक नहीं रहे, इन्वेंट्री इकट्ठा हो रहा है, न्यू मैनेजरियल मेथड्स, ज्यादा नॉलेज, ज्यादा डेटा, सप्लायर आपके सारे के सारे प्रोफिशिएंट हो गए. मतलब पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मेनली सप्लायर डिपेंडेंट होता था, कस्टमर को प्रॉमिस नहीं कर पाते थे ये बोल के कि सप्लायर भेजेगा तो आपको बेचेंगे. अभी नहीं बता सकते, माल मिल भी जाए, हमें भी मिल जाए तो आपको प्रोसेस करके देंगे. बट अब सप्लायर भी कंपटीशन फेस करे ना, तो दे आर बिकम मोर एफिशिएंट, एंड ईज ऑफ ग्लोबल ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस, रिसोर्सेज प्रोक्योर करना इजी हो गया, एज वेल एज गुड्स एक्सपोर्ट करना भी इजी हो गया. कस्टमर बेस बढ़ गया, सप्लायर बेस बढ़ गया. इधर हो जाओ, उनको दिख नहीं रहा. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी वेल नोन है. इसमें और भी बहुत सारे ऐड किए जा सकते हैं, जो जरूरी नहीं है यहीं से बोलना है कि ऑटोमेशन आ गया, टेक्नोलॉजी यूज होने लगा, मास प्रोडक्शन सिस्टम सेटल हो गया, जिसमें बहुत सारे लोग मिलके बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेली बना पाते. प्रोडक्शन सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी हो गया, फास्ट भी हो गया, कॉम्प्लेक्स भी हो गया. ओवरहेड कॉस्ट बढ़ने लगे, वेरिएशन में जाने पड़ा, एक सिंगल प्रोडक्ट से कंपनी चलती नहीं. और भी बहुत सारे ऐड कर सकते, इसलिए मैंने लिख दिया कि ऑल्सो रेफर एबीसी चैप्टर्स क्लास नोट. उसमें मैंने सारे एनालिसिस लिखाए हुए जो मैं एक्स्ट्रा में बोला. सो ऐसे मार्केट में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आएगा. और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहला इश्यू जो एड्रेस किया जा रहा है वो है क्वालिटी. अगर आप मास प्रोडक्शन में जा रहे हो, अगर आप ग्लोबल लेवल पे जा रहे हो, आप अगर क्वालिटी पे ध्यान नहीं दोगे तो इट इज बट ऑब्वियस दैट योर कंपनी वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन. कॉम्पिटेटिव में, कॉम्पिटिशन में पिछले चैप्टर में एक बात बहुत अच्छी कही, कस्टमर जो चाहता है वो दीजिए और कॉम्पिटिशन को सर्वाइव करिए. सर्वाइव करने का सबसे पहला चीज है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी. तो उससे जुड़ा हुआ पहला पढ़ाई शुरू होता है क्वालिटी मैनेजमेंट का, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को समझना. दिस इज योर नंबर टू नाउ. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, हालांकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चैप्टर में सब सिखाया हुआ है, मिस्टर जोसेफ जूरन ने पहली बार क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बात, क्वालिटी मैनेजमेंट कॉस्ट के बारे में बात की थी 1951, डॉक्टर जोसेफ जूरन. और उसके बाद मिस्टर फिलिप क्रॉसबी ने अपने बुक में क्वालिटी इज फ्री बोलकर जब लोगों को समझाया क्वालिटी के बारे में, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पॉपुलराइज हो गया. फिलिप क्रॉसबी. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में चार नाम आते थे, यू रिमेंबर, चार नाम, किसी को याद है? चार कॉस्ट: प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. ये चार नाम आते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में: प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर, जो कॉइन किए गए थे बाय मिस्टर जूरन. मिस्टर क्रॉसबी ने उस चारों कॉस्ट को समझाया इस तरह से कि अगर आप प्रिवेंशन अप्रेजल पे ध्यान देते हो तो इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर फ्री हो जाता है. और एक कॉन्सेप्ट बताया लोगों को, क्वालिटी इज फ्री. मतलब आप सोचते क्वालिटी बढ़ाना है मतलब इन्वेस्टमेंट करना है, खर्चा ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है.
अगर आप क्वालिटी नहीं बढ़ाओगे तो डिफेक्ट्स आएंगे, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, कस्टमर नाराज होंगे, आफ्टर सेल सर्विस देना पड़ेगा, करेक्ट, लॉस ऑफ गुडविल होगा, लॉस ऑफ बिजनेस होगा, तो क्वालिटी नहीं बनाओगे तो ये सब आपके कॉस्ट हैं। क्वालिटी बनाने के लिए दो ही कॉस्ट है, प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट। अगर इसके ऊपर खर्च करते हो तो ये सारा खर्चा, ये सारा लॉसेस को बचा लेता है। तो आप जो बोलते हो क्वालिटी इज एक्सपेंसिव, इट्स नॉट, क्वालिटी इज फ्री, बिकॉज व्हाट यू सेव फ्रॉम हैविंग दिस टू कॉस्ट इज मच मच मोर। क्वालिटी इज फ्री, इस तरह से समझाया गया। जब ये समझ में आया लोगों को, तब लगा कि क्वालिटी करना ही चाहिए। प्रिवेंशन अप्रेजल पे खर्च करके जब सारा बच सकता है तो वी शुड गो फॉर क्वालिटी। इसमें प्रिवेंशन अप्रेजल जो कॉस्ट है, आप समरी शीट में देखिए, उसका नाम रखा गया कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस। कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस में लिख दीजिए ना, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट एंड अप्रेजल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस। कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस में प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट, उसको प्राइस ऑफ कन्फॉर्मेंस भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस भी बोलते हैं। और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस है इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ठीक। एंड बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड, इजंट इट? इनवर्स है क्या? ये बढ़ेगा तो वो घटेगा ना, तभी तो क्वालिटी फ्री होगी, करेक्ट। इनवर्सली रिलेटेड है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। हाँ, इनवर्सली रिलेटेड है तो आपको तो दोनों का लेवल एक अप्रोप्रिएट मान के चलना पड़ेगा, जिसपे ओवरऑल चारों का कॉस्ट कम आए, ओवरऑल दो चारों का कॉस्ट कम आए। दो का लेवल है कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस। कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस मतलब आप समझिए, जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगा, यहां पे डिफेक्ट्स है अगर, तो डिफेक्ट्स का लेवल गिरेगा। ये कौन सा कॉस्ट होगा? राइट साइड में कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस उल्टा चल रहा है। तो आपको दोनों का एक ऐसा लेवल चाहिए कि थोड़ा इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर भी हो तो कोई खास बात नहीं है, बट ओवरऑल कॉस्ट कम होना चाहिए। तो जहां पे दोनों का टोटल कम होता है वो ये लेवल है, और ये इंटरसेक्शन को आप बोल रहे हैं ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। एक पॉइंट है ना, ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ये देखिए, यहां पे सारा बताया हुआ है। ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी में कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। पुअर क्वालिटी इज इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर, इट इज ओनली वी आर कॉलिंग एज कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। दिस इज कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, दिस इज नॉन कन्फॉर्मेंस। ये एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक। कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस में अप्रेजल प्रिवेंशन, नॉन कन्फॉर्मेंस में इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल्स हम लोग यहां पे सब क्लास में भी पढ़े, तो मैं इसमें इलेबोरेट नहीं करा, ये सब क्लास नोट्स में हुआ हुआ है कि प्रिवेंशन में क्या क्या आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन था, क्वालिटी इंस्पेक्टर या क्वालिटी कंसल्टेंट को हायर किया, उसका जो रेमुनरेशन है वो किधर गिरेगा इन चार में? क्वालिटी कंसल्टेंट फीस। अप्रेजल, वेरी नाइस। देखिए ना, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस में तो आएगा ना, सीधा सा बात। ये सब मुझे पढ़ाना नहीं है क्योंकि ये सब टीक्यूएम में हुआ हुआ है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल, फिर एक नया नाम क्रिएट कर दिए, ठीक है। फिर इधर एक इलस्ट्रेशन है, पहली बार एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिला, वो मैं करूंगा अभी। इधर एक बार देखिए, ये ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में ग्राफ जो मैं बता रहा था, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस देख रहे हैं आप,
और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, टोटल कॉस्ट, ये टूल कॉस्ट लिखा है इसको, टोटल कॉस्ट करना। इधर डिफेक्ट्स को इस तरफ डाल दिया, इधर टोटल कॉस्ट को डाल दिया, मैं उल्टा बता रहा था, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि कितना डिफेक्ट आप बर्दाश्त करोगे जहां पे टोटल कॉस्ट लीस्ट होगा। मैं उल्टा बता रहा था कि जहां डिफेक्ट लीस्ट होगा वहां पे कॉस्ट क्या होगा। मेरा जो ग्राफ बन रहा था वो डिफेक्ट इस तरफ कर दिया था मैंने, वाई एक्सिस में डिफेक्ट और टोटल कॉस्ट में इस तरफ कर रहा था। ठीक है, तो यू हैव टू डिसाइड योर पैरामीटर कि कहां पे डिफेक्ट कम है वो आपको बेस्ट लगता है, कि जहां पे कॉस्ट कम है वो आपको बेस्ट लगता है। जैसे यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट इधर रखो, टोटल कॉस्ट को इधर रखो। सो डिफेक्ट अगर आपको कॉस्ट को कम करना है तो ये आपका मिनिमम कॉस्ट लेवल है, तो उसके अगेंस्ट में डिफेक्ट क्या होगा, दैट इज योर ऑप्टिमम। बस गनीमत है कि इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला इन्होंने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर सम्स हमारा टीक्यूएम चैप्टर में हुआ हुआ है, टीक्यूएम चैप्टर में हमने सम्स किया, और मैं चाहता हूं ये सम भी आपके साथ सॉल्व करूं। ये इलस्ट्रेशन ऐसा सेम टाइप का हमने अपने टीक्यूएम चैप्टर में किया है, एंड आई विश टू सॉल्व इट राइट नाउ विथ यू। ठीक है, इलस्ट्रेशन ऑन टीक्यूएम बोल के आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन यहां से रीड करिए, सॉल्यूशन कॉपी में ले लीजिए, पेज नंबर नोट कर लीजिए बुक का, पेज 7.2.7। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द कॉस्ट डेटा पर यूनिट फॉर द ईयर 2017 इज प्रेडिक्टेड एज बिलो। मटीरियल 35, लेबर 25, वेरिएबल ओवरहेड 15, सेलिंग प्राइसेस 90। द कंपनी हैज फोरकास्ट दैट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर 17 विल बी 28,000 यूनिट्स। हाउएवर टू सेटिस्फाई दिस लेवल ऑफ डिमांड प्रोडक्शन क्वांटिटी विल बी इंक्रीज्ड। ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा। बोल रहा है इतना डिमांड मीट करने के लिए प्रोडक्शन ज्यादा का करना पड़ेगा, प्रोडक्शन क्वांटिटी विल बी इंक्रीज्ड। देर आर नो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, द स्टॉक लेवल ऑफ मटीरियल रिमेन्स अनचेंज थ्रूआउट द पीरियड। मतलब देर इज नो रॉ मटीरियल स्टॉक का इफेक्ट, रॉ मटीरियल स्टॉक का भी कोई इफेक्ट नहीं है। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर गिवेन। 12.5% ऑफ द आइटम्स डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स, यानी वो 28,000 का, विल बी रिजेक्टेड ड्यू टू स्पेसिफिकेशन फेलियर एंड विल रिक्वायर फ्री रिप्लेसमेंट। द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग द रिप्लेसमेंट आइटम इज 5 रुपीज। मतलब रिप्लेसमेंट आइटम को डिलीवर करवाना होगा, उसका 5 रुपए और लगेगा। 20% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस विल बी डिस्कवर्ड फॉल्टी एट द इंस्पेक्शन स्टेज बिफोर दे आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स। आपको एक शेड्यूल बना के दिखाया गया था, फिनिश गुड शेड्यूल बोलते हैं इसको, टीक्यूएम चैप्टर में शुरुआत में ही सिखाया गया, जो बोलता है सबसे पहले आपको क्या लेना होता है, ग्रॉस प्रोडक्शन, याद है ऐसा, लेस डाउनग्रेडेड आइडेंटिफाइड एट इंस्पेक्शन स्टेज या डिफेक्ट्स ऑन इंस्पेक्शन। आपने घर पे ही चेक किया तो आपको गड़बड़ लगा तो आपने हटा दिया, इतना अवेलेबल फॉर सेल था। ये 28,000 नहीं है, लेस फ्री रिप्लेसमेंट्स आपको देने पड़ते हैं, तो जाकर रिजल्ट आता है कि इतना यूनिट्स इनवॉइस्ड होगा, इसका बिल आप रेज करोगे। अंडरस्टूड, इसका बिल आप रेज करोगे। ये इस क्वेश्चन में 28,000 चाहिए,
और क्वेश्चन बोल रहा है 12.5% ऑफ द आइटम्स डिलीवर्ड, मतलब इसका 12.5%, सो इफ दिस इज हंड्रेड, ये है 12.5, तो ये आया 87.5%, अकॉर्डिंगली यू विल गेट द वैल्यूज। समझ में आ रहा है यहां पे क्या हो रहा है? 12.5% ऑफ द आइटम्स डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स विल बी रिजेक्टेड ड्यू टू स्पेसिफिकेशन फेलियर। अच्छा, तो डिलीवर्ड है तो उल्टा करो, तो इसको 100 करो, इसको 12.5 करो, इसको 87.5 करो, तो आपका 100 निकल आएगा। ठीक, फिर बोल रहा है 20% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस विल बी डिस्कवर्ड फॉल्टी एट इंस्पेक्शन, मतलब फिर ये अगर 100 है तो ये 20% है, तो ये 80 है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड द डिफरेंट मिसिंग वैल्यूज विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इसको फिनिश गुड शेड्यूल बोल के बुलाते थे टीक्यूएम चैप्टर में, ऐसे ही मटेरियल शेड्यूल भी बनता था, ये याद है क्या? फिनिश गुड शेड्यूल बनाना पड़ेगा इससे। फिर एक और है, 10% ऑफ मटेरियल विल बी स्क्रैप ड्यू टू डैमेज वाइल इन स्टोरेज, इससे मटेरियल शेड्यूल बनता था, बट मटेरियल का एक्चुअली क्वांटिटी का ब्रेकअप नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो ब्रेकअप हियर, सो मटेरियल का शेड्यूल नहीं बनाएंगे, बट इसका इफेक्ट ऐसे कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। ड्यू टू अबव टोटल क्वालिटी कॉस्ट फॉर द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 10,75,556, अब दिस इज ऑलरेडी देयर फॉर द कंपनी, मतलब ड्यू टू अबव टोटल क्वालिटी कॉस्ट, मतलब ड्यू टू अबव में क्या हुआ, एक आपका रिप्लेसमेंट हुआ, दूसरा फॉल्टी यूनिट्स बना, और तीसरा मटेरियल स्क्रैप हुआ, ये सब कहां पे है? कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस है कि नॉन कन्फॉर्मेंस है? नॉन कन्फॉर्मेंस, आपने कहां क्वालिटी मैनेजमेंट किया? ये क्वालिटी कॉस्ट बोल रहे, तो ये क्वालिटी कॉस्ट में कौन सा कॉस्ट को इंडिकेट कर रहा है? ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट को इंडिकेट कर रहा है, ये फॉल्टी का कॉस्ट को इंडिकेट कर रहा है, ये मटेरियल स्क्रैप का कॉस्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो ये सारे कॉस्ट ऑफ फेलियर्स हैं। ओके, द कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग द फॉलोइंग प्रपोजल, अब वो कॉस्ट को बचाने का कोशिश करेंगे, टू इंट्रोड्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वर्कर्स विच द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव्स विल रिड्यूस द लेवल ऑफ फॉल्टी प्रोडक्शन टू 10%, तो वो 20 से 10 हो जाएगा, एंड दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम विल कॉस्ट 4.5 लाख रुपए पर एनम, सो आपका प्रिवेंशन कॉस्ट है, दिस इज प्रिवेंशन, ट्रेनिंग इज प्रिवेंशन कॉस्ट, टू अवेल द सर्विसेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट एट एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹50,000, व्हाट इज दिस कॉस्ट? कंसल्टेंट का कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, विच वुड रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ फॉल्टी आइटम्स डिलीवर्ड टू कस्टमर्स टू 9.5%, तो आपका परसेंटेजेस रिवाइज हो रहा है, तो ऑब्वियसली फायदा क्या होगा कि 28,000 को बेचने के लिए आपको शायद कम यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, मतलब फेलियर्स कम होंगे, तो उसके अगेंस्ट में आपका कॉस्ट भी जा रहा है 4.5 लाख ट्रेनिंग का, 50,000 रुपया कंसल्टेंट का, तो चांसेस है कि रुपया जो बचेगा वो ज्यादा बचेगा, या हो सकता है नहीं भी बचे, वो अपने को इवेल्युएट करके देखना है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट दैट द कंपनी वुड इनकर इफ इट एक्सेप्ट्स द प्रपोजल, कॉस्ट आर टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग द 4 रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी कॉस्ट हेड्स, आपको 4 हेड में अपने आंसर को प्रेजेंट करने, ठीक है? तो मेनली सारा कैलकुलेशन रेस्ट करा ये शेड्यूल पे, अगर आप ग्रॉस प्रोडक्शन जान जाते हैं तो आपको फिर हर एक का कॉस्ट पता करना है, जैसे डिफेक्ट का कॉस्ट प्रेजेंट में क्या लग रहा है, फ्री रिप्लेसमेंट में क्या लग रहा है, और उसके बाद प्रेजेंट में इन दोनों को सुधारने का कॉस्ट अलग से 1075,556 अलग से है कि उसको जोड़ के ही है, क्या लगता है? नहीं समझे मैं क्या बोला? डिफेक्ट का कॉस्ट अभी लग रहा है, अभी फ्री रिप्लेसमेंट का कॉस्ट लग रहा है, ठीक? तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि ड्यू टू अबव द टोटल क्वालिटी कॉस्ट फॉर द ईयर इज एक्सपेक्टेड एज 1075,556, बट उसको 4 कैटेगरी में स्प्लिट नहीं किया, तो 4 कैटेगरी में प्रिवेंशन अभी हो रहा है क्या? अप्रेजल अभी हो रहा है क्या? नहीं। इंटरनल फेलियर हो रहा है क्या? हाँ। क्या नाम से हो रहा है? डिफॉल्टी प्रोडक्शन से। और एक्सटर्नल फेलियर हो रहा है क्या? रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन की भाषा से इसका टोटल ऑलरेडी आपको मालूम है,
इस दोनों का कॉस्ट अभी 1075,556 है। आपको बस ब्रेकअप में प्रेजेंट करना है क्वेश्चन जैसा बोल रहा है, और प्रपोज्ड आपको बताना है। प्रपोज में प्रिवेंशन पे 4.5 लाख खर्चा कर रहे हैं, प्रपोज में अप्रेजल पे 50,000 खर्चा कर रहे हैं। प्रिवेंशन पे खर्चा कर रहे हैं, अप्रेजल पे खर्चा कर रहे हैं, करेक्ट। और उसके बाद इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर आप खुद जज करो कितना होगा, और कंपेयर करके बताओ प्रपोजल में जाना चाहिए कि नहीं। वुड यू रिकमेंड द प्रपोजल? गिव फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल रीजंस। पहले नॉन फाइनेंशियल रीजंस नहीं पूछते थे हम लोग बस बोलते थे रिकमेंड करो। आपका क्वेश्चंस का थोड़ा फ्लेवर में नॉन फाइनेंशियल इंपैक्ट्स भी आपको कमेंट करने, ठीक। तो ये बहुत इजी है, पहले शेड्यूल बनाते हैं, ये स्टार्ट करिए। इलस्ट्रेशन पेज 2.7, नोट नंबर 1, फिनिश गुड्स प्रोडक्शन शेड्यूल। बिफोर और आफ्टर, ग्रॉस प्रोडक्शन लेस फॉल्टी प्रोडक्शन। ग्रॉस प्रोडक्शन प्री इंस्पेक्शन लिख देना, लेस फॉल्टी प्रोडक्शन, फिर अवेलेबल फॉर सेल, या आप बोल सकते हैं यही डिलीवर्ड होगा ना, लेस लेस व्हाट एल्स, फ्री रिप्लेसमेंट। तो ये आया क्वांटिटी इनवॉइस्ड। ठीक है, अब भरिए। ये 28,000 है, तो ये अगर 100 है तो ये 12.5 है, ये 87.5 है, डिवाइड करिए कितना है, 32, तो ये आ गया 4। और फिर ये 100 है तो फॉल्टी हमारा 20% है तो ये 80 है, तो ये आ गया 40,000। और उसी तरह से ये आ गया 8,000। अब इसी 28,000 आफ्टर में क्या होगा, ये परसेंट 12.5 से कितना हो गया, 9.5 है कि ऊपर वाला नीचे वाला, ये 100 है तो ये 9.5 है, ये 90.5 है, कितना आया, 30,939। देन ये 100 है, ये 10% है तो ये 90 है, थ्री 4,377 डिफरेंस दोनों में बोलिए,
इसमें तो आ गया 2939 और इधर 3438। हाँ 10%। ठीक है, अब इसका कॉस्ट प्रेजेंटेशन होगा सॉल्यूशन टू पार्ट वन। स्टेटमेंट शोइंग कंपैरेटिव क्वालिटी कॉस्ट। पर्टिकुलर्स ये सम मैसेज कराने का जरूरत नहीं लगता था मेरे को, क्योंकि ऐसा सेम सम हमारा किया हुआ क्लास में। इवन हमारा क्लास वाला सम ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, उसमें ज्यादा डेटा थे, ये तो सिंपल है। इट्स जस्ट फॉर रीगेनिंग द फेथ, इसलिए कर रहे कि आपका कहीं भरोसा टूटे नहीं। जिनका चैप्टर किया हुआ उनको तो सब लग रहा है हाँ वही चीज हो रहा है। बिफोर और आफ्टर, सो फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन कॉस्ट। बिफोर तो करते ही नहीं थे, अभी आया ट्रेनिंग। कितना आ रहा है ट्रेनिंग? 4,50,000। देन अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट इज कंसल्टेंट्स फीस। बिफोर कुछ नहीं, आफ्टर 50,000। देन नंबर थ्री इज इंटरनल फेलियर कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। इंटरनल फेलियर कॉस्ट में जो फॉल्टी प्रोडक्शन है उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? तीनों कॉस्ट जोड़िए, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। 35, 25, 60, 75। एम आई करेक्ट? 75 इंटू हाउ मेनी यूनिट्स? इंटरनल फेलियर पहले क्या होता था? 8,000। ये कितना हुआ? हाँ जी, 6,00,000। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, वो मटेरियल स्क्रैप का इफेक्ट लेना है। मटेरियल स्क्रैप हुआ था 10%, उसका तो कोई शेड्यूल नहीं बना था, वो भी इसी के साथ जुड़ जाएगा। ज्यादा डिफेक्ट होगा तो ज्यादा स्क्रैप भी तो निकलेगा, तो इसके हिस्से का स्क्रैप कॉस्ट वो कैसे लोगे? सोचिए, 10% ऑफ मटेरियल विल बी स्क्रैप ड्यू टू डैमेज इन स्टोरेज। नहीं, 75 क्यों? मटेरियल कॉस्ट पे जाइए। मटेरियल कॉस्ट कितना है? नहीं पकड़ पा रहे। मटेरियल कॉस्ट का रेट क्या है? 35। तो 35 इंटू सब पे, या वाई ओनली ऑन 8,000 यू आर थिंकिंग? आप जो 40,000 बनाए उसका स्क्रैप सोचिए ना, कि 10% आपका स्क्रैप भी होता है। तो स्क्रैप इज एन इंटरनल फेलियर, उसका कॉस्ट जो है वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। तो 35 इंटू 40,000 रुपीज, 40,000 यूनिट्स जो बन के आ रहा है, दैट इज 90%। मटेरियल जो आ रहा है वो 100% आ रहा है। अगर 100% मटेरियल आ रहा है तो 10% स्टोरेज में स्क्रैप हो जा रहे हैं, 90% कंज्यूम हो पा रहा है। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 90% इंटू 10%, नहीं समझे? एक बार फिर से बताएं। जैसे मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड लेस स्क्रैप
is material cost of production. It is like this. We are trying to find the cost of this scrap. ठीक है? So material cost of production will be 40,000 आपने बनाया into 35. If this is 100, this is 10, this is 90. I am trying to find this. कैसे आएगा? How will I get this? 40,000 into 35 divide by 90 into 10. I hope you got this known calculation. है ना? तो इसका वर्किंग अगर आपको लिखना है तो आप यहां पे और अच्छे से लिख सकते हैं. ये मेरे हिसाब से एक मिस्टेक एरिया था मेरे क्लास सम्स में. ये मटेरियल स्क्रैप और ऑब्वियस था बिकॉज वहां पे मटेरियल का शेड्यूल बनाया गया था. यहां शेड्यूल नहीं बना तो इसलिए थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक या स्किप होने का चांसेस था. ठीक है ना? बढ़े आगे. कितना आ रहा है ये? 155,556 आफ्टर दिस एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. ये टोटल कर देते 755,556. नंबर 4 इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. इसमें फ्री रिप्लेसमेंट क्या कॉस्ट होना चाहिए बोलिए. बोलिए. हाँ जी, क्या होना चाहिए? वेरी नाइस. वेरिएबल कॉस्ट इज 75 प्लस डिलीवरी चार्जेस 5 रुपया. लिखा था ना फ्री रिप्लेसमेंट को डिलीवर करने का 5 रुपया इंटू हाउ मेनी यूनिट्स यू आर रिप्लेसिंग फॉर फ्री. 4,000. 320,000. ये देखो इंटरेस्टिंगली जोड़ के वही आया जो क्वेश्चन दिया था. 1075,556 वॉज गिवेन इन द क्वेश्चन. देखो देखो क्वेश्चन में मिला कि प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज दिस. मतलब हम लोग प्रिवेंशन अप्रेजल नहीं कर रहे तो प्रेजेंट कॉस्ट क्वेश्चन में बता ही दिया था 1075,556 है. मतलब क्वेश्चन चाहता था कि हम स्क्रैप इफेक्ट लें और लेना ही था. अब वो छूटने का चांस था बस. अब इधर क्या होगा आप खुद से बता दो मुझे. आपको अब सब आ गया है. इस तरफ में क्या करोगे आप बताओ. फॉल्टी प्रोडक्शन का कितना कॉस्ट लोगे? 75 × 3438. हाउ मच? हाउ मच 257,850. देन मटेरियल स्क्रैप. मटेरियल स्क्रैप 35 × 34,377 × 10/90. वही चीज है. हाउ मच? 133,688. तो इन दोनों का टोटल. हाँ जी, 391,538. और एक्सटर्नल फेलियर वही 80 रुपया करके 75 + 5 × 2939. (235) 120. और इन चारों का टोटल 1126,658. ओके, 1126,658. समझ में आ रहा है? So from this we have got the total cost, and total cost is more than
द प्रेजेंट कॉस्ट. सो क्वालिटी इज नॉट फ्री हियर फाइनेंशियली राइट नाउ. क्वालिटी इज नॉट फ्री एंड इट्स अ मार्जिनल डिफरेंस. इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइनेंशियली भी कमेंट करो, नॉन फाइनेंशियली भी कमेंट करो. फाइनेंशियली शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, बट इफ यू आर शॉर्ट टर्म थिंकर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म थिंकर इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, बिकॉज टूडे द रिजल्ट इज नॉट कमिंग, टुमारो द रिजल्ट हैज टू कम. है ना, ये लिख देंगे बस. फाइनेंशियली शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज द टोटल कॉस्ट इज मोर देन प्रेजेंट. फाइनेंशियली शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज द टोटल कॉस्ट इज मोर देन द प्रेजेंट. फाइनेंशियली इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज द टोटल कॉस्ट इज मोर देन द प्रेजेंट. बट considering the long term impact of good quality, but considering the long term impact of good quality, to build a brand reputation and increase market share, but considering the long term impact of good quality, again, to increase the brand reputation and market share, the proposal should be implemented. The proposal should be implemented. ठीक है ना. तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का ये जो पढ़ाई था ये उतना कुछ नया जैसा आपके लिए नहीं था, बिकॉज इट वर ऑल देयर इन आवर TQM चैप्टर. नाउ इसमें एक नया घुस गया, ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जो आपको EOQ का जैसा समझ में आ रहा है. क्या ये EOQ का जैसा कॉन्सेप्ट है, कितना ऑप्टिमम लेवल ऑफ डिफेक्ट आप बर्दाश्त करेंगे जिससे कि टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कम आए. एक है स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ PAF मॉडल. मैंने बोला था 5 स्टेप्स है, चेक करिए नोट्स में, समरी नोट्स में. 5 स्टेप्स ऑफ PAF मॉडल. PAF का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन अप्रेजल फेलियर मॉडल. प्रिवेंशन अप्रेजल फेलियर मॉडल. देखो तीन नाम क्यों है. प्रिवेंशन अप्रेजल आपने सुना ही, फेलियर तो एक ही है ना, उसमें इंटरनल एक्सटर्नल है. मतलब बेसिकली ये बता रहा है कि आपको टोटल क्वालिटी कॉस्ट का जो पढ़ाई अभी बताया गया, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का चार नाम, वो मॉडल आपको अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको कैसे सोचे, हाउ टू थिंक फॉर इट. तो उसका सिस्टम क्या है, जो ये सम था वही सिस्टम है, जो सम क्या ना वही सिस्टम है, वही 5 स्टेप है. पहला स्टेप हम लोग बोल रहे हैं कि आपका करंट में कितना फेलियर होता है, अभी कितना फेलियर्स है. जैसे क्वेश्चन दिया था ना, प्रेजेंट में 12.5% और 20% फेलियर है, अभी कितना फेलियर्स है, दैट इज स्टेप 1. देखिए सेकेंड स्टेप, आप कुछ अजम्पशन लगा के उसको क्वांटिफाई करो, मतलब आप उसका लॉस वॉस मेजर करो, क्वांटिफाई द लॉसेस. थर्ड बोल रहा है आप उसको चार्ट करो बेस्ड ऑन अबव 4 एलिमेंट्स, मतलब ब्रेक इट इनटू 4 हेड्स, लॉस को या लॉस या बोलिए कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को ब्रेक इट इन 4 हेड्स, उसको 4 हेड में तोड़िए, ब्रेक इट इन 4 हेड्स. चौथा पॉइंट आ रहा है कि आप इस ब्रेक करने के बाद जहां पे अभी तक आपका ध्यान नहीं था उसके लिए रिसोर्स गैदर करिए. जैसे आपको उस समय ध्यान है प्रिवेंशन अप्रेजल 0 चल रहा था, तो उसके लिए रिसोर्स गैदर किया, एक ट्रेनिंग
और एक कंसल्टेंट. तो एलोकेट रिसोर्स टू कॉम्बैट द वीक स्पॉट्स. तो आप अपना वीक हेड्स को, वीक स्पॉट्स मतलब वीक हेड्स को सुधारें. और फिफ्थ नंबर, इसको कंटिन्यूअसली करें. बेसिकली आप इसको लिख के रख सकते हैं कि जस्ट कंसिडर द प्रीवियस सम इन माइंड एंड देन रीड द स्टेप. प्रीवियस सम यही था, पहले उन्होंने करंट सिनेरियो के बारे में बताया, उसका लॉसेस को क्वांटिफाई करके बता दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी केम एज 1075,556. उन्होंने मतलब क्वेश्चन ने खुद कर लिया, फिर रिसोर्सेज गैदर किया और उसके ऊपर कवर अप किया और उसको कंटिन्यूसली कर पाया, तो मॉडल चालू हो गया. देख रहे हैं, अ शिफ्ट फ्रॉम व्हाट इज टू हाउ टू, अ शिफ्ट फ्रॉम व्हाट इज टू हाउ टू. मतलब पहले हम लोग क्लास में क्या पढ़ रहे थे, व्हाट इज प्रिवेंशन, व्हाट इज अप्रेजल, व्हाट आर फेलियर कॉस्ट. अब क्या पढ़ रहे हैं, हाउ टू इंप्लीमेंट दिस मॉडल, तो विच टॉक्स अबाउट दिस स्टेप्स. बोलते हैं क्वालिटी को मैनेज करने के लिए जनरली हम लोग जो ऊपर ऊपर दिखता है उस पर ध्यान देते हैं. एंड ऊपर ऊपर ये चार आइटम दिखता है, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर के जो हेड्स है ना, वही ऊपर ऊपर दिखते हैं कि हम लोगों को इतना रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है, हम लोगों को इतना डिफेक्ट सुधारना पड़ रहा है, इतना हमारा स्क्रैप हो रहा है, ये ऊपरी हिस्सा है. बट सच्चाई ये है कि क्वालिटी को सुधारने के लिए सिर्फ आप अपना फेलियर्स को सुधार दोगे तो क्वालिटी सुधर जाएगा, ऐसा नहीं होता. आइसबर्ग कॉन्सेप्ट इसी को बोल रहे हैं. टाइटैनिक किससे भिड़ के डूबा था, आइसबर्ग. आइसबर्ग क्या होता है पता है क्या, समुंदर में पहाड़ है, एक बर्फ का पहाड़ जो ऊपर में दिखता है छोटा सा ही होगा, कुछ बाहर निकला हुआ है समुंदर में छोटा सा, कि हम तो इसके ऊपर कुचल के इसको चले जाएंगे, बट नीचे वो पहाड़ है. इट इज अ माउंटेन इनसाइड द सी, कि अगर आप उससे भिड़ोगे तो खत्म. तो टाइटैनिक डूबने का कारण क्या था, वो एक आइसबर्ग से भिड़ गया. उसको दूर से, इतना बड़ा शिप चलाने वाले को दूर से लगा कोई ऐसे ही होगा, चलो निकल जाएंगे, बट जब भिड़ा तो समझ में आया कि तो पहाड़ निकल गया, फिर इतने हिल गए कि जहाज ही डूब गया. ओके, तो यही बता रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट. ये देखिए, एक आइसबर्ग का रिजेम्बलिंग छवि यहां पे बनाया गया. दिस इज द आइसबर्ग मॉडल, जो बोल रहा है कि आपका जो ध्यान रहता है वो ऊपर पे रहता है, टिप ऑफ आइसबर्ग पे रहता है, जो आपका इंटरनल फेलियर कॉस्ट था और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट था. क्या क्या इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर में यही सब नाम थे ना, इंस्पेक्शन, कस्टमर रिटर्न, रिकॉल, वेस्ट, रिजेक्ट, टेस्टिंग, रीवर्क. टेस्टिंग इंस्पेक्शन में आपने थोड़ा बहुत अप्रेजल भी कर लिया, इसमें अप्रेजल कॉस्ट को भी डाल दिया. बट सच ये है, ये एक्चुअली कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कॉन्सेप्ट का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि आप पहाड़ जो अंदर में है उसके ऊपर भी तो ध्यान दीजिए, जो हिडन होता है इससे भी क्वालिटी सुधरती है, जिसके लिए कई बार कॉस्ट भी नहीं लगते. हर क्वालिटी को सुधारने का कॉस्ट होता है तो जरूरी नहीं, ये हिडन है, इट शुड बी वर्कड अपॉन. एंड उसमें क्या क्या है ये देखिए, उसमें उन्होंने कुछ रीजंस को आइडेंटिफाई किए. एक्सेसिव ओवरटाइम, आपको ओवरटाइम एक्सेसिव करना पड़ा, एम्प्लॉय डिसेटिस्फेक्शन आएगा, कस्टमर डिसेटिस्फेक्शन आएगा. प्राइसिंग और बिलिंग एरर्स, छोटा सा ही बात है, बिल में एरर, हमारे यहां पे तो ऐसे बहुत होते हैं, सच बात बताएं तो. बोल भी रहा, हाँ देख रहे सब जजमेंट करने बैठे, हाँ सही है. प्राइसिंग और बिलिंग एरर्स हमारे यहां पे कैसे सोचते हैं, जैसे देखो वही क्वालिटी स्टाफ नॉन क्वालिटी स्टाफ का सोच का फर्क क्या होता है. अब हुआ क्या, कोई लाइव क्लास लिया है तो लाइव लिखेगा बिल में, या डीटीएच लिखा है तो डीटीएच लिखेगा.
अब लाइव लिख के उसको बिल दे दिया, तो बाद में सब ट्रेस हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो इंस्पेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, ट्रेस हो जाता है, ट्रेस हो जाता है। जब सवाल पूछा जाता है सर क्यों हुआ, तो सर उस समय हो गया, लेकिन बाद में हम उसको नया बिल फाड़ के दे दिए थे। बोला अच्छा आपने नया दे दिया तो यहां नहीं सुधारा, सर वो ध्यान नहीं रहा। तो ये सब कहीं ना कहीं क्वालिटी की बातें तो है, छोटा छोटा चीज पे मैं तो बहुत ध्यान देता हूं कि नाम का स्पेलिंग एरर कैसे हुआ, बस सर हो गया, अब पेंसिल पेन से करेक्ट कर देते हैं, नो प्रिंट इट अगेन। ये टिप ऑफ आइसबर्ग में हम लोग बड़ा चीज खोजते हैं, बट वो छोटा ही दिखेगा आपको, बट अंदर में जो जो छोटी छोटी चीजें चल रही है उसको सुधारने पे ज्यादा काम करना चाहिए। ऐसी एक्सेसिव एम्प्लॉई फ्लक्चुएशन, एक्सेसिव फील्ड सर्विस एक्सपेंसेस, प्लानिंग डिलेज, डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ फेल्ड प्रोडक्ट, जिसे गूगल का यू नो प्रॉफिटेबिलिटी अभी रिपोर्ट किया गया कि बहुत ज्यादा उनको लॉसेस हुए, वाई यू नो डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ फेल्ड प्रोडक्ट्स के कारण। हालांकि ये लाइमलाइट में ज्यादा नहीं आता है, बट जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको तो सब पता ही होता है। ये लोग क्या करते हैं ना, अरबों खरबों रुपया रिसर्च पे खर्च करते हैं, और ऐसे ऐसे रिसर्च करते हैं जिसका कोई तुक नहीं हो, जस्ट टू प्रूव देमसेल्व्स टू द वर्ल्ड दैट दे आर यूनिक, दे आर इनोवेटिव। बट एटलीस्ट बोलते हैं कि इन रिसर्च के ऊपर कुछ समझदारी होनी चाहिए कि ये रिसर्च करके कोई जमाने का हेल्प होगा कि भी नहीं होगा, और आपके रिसोर्सेज है कि नहीं रिसर्च करने के पहले, आप वो तो देखिए। गूगल ने एक बनाया था गूगल ग्लास, गूगल करके देखना है। गूगल ग्लास क्या है कि एक स्पेक्स है, उसके सामने एक डिवाइस लगेगा, एक चिप लगेगा, वो आपका ये स्पेक्स को कंप्यूटर बना देगा। मतलब आप अकेले में बैठे हो, बस स्पेक्स में देखते रहिए, तो आपके आईज आईरिस के सामने कंप्यूटर जैसा प्रोजेक्शन आएगा उस पर्टिकुलर चिप के कारण। मतलब सोचिए एग्जाम में पहन के चले जाए। हाँ, कोई हम पहचानेगा ये सब, हमारा इंडिया में कौन पहचानेगा। मतलब ये चश्मा का डिजाइन है, गूगल ग्लास है, किसी को पता चलेगा। मतलब बनाया, अब क्या रिसर्च करने के पहले रिसर्च का वायबिलिटी खोजना चाहिए। खरबों रुपया खर्च कर दिया, लास्ट में विड्रॉ कर लिया, नहीं होगा तो रुपया का कीमत नहीं है क्या? दैट्स क्वालिटी आइसबर्ग मॉडल टॉकिंग अबाउट। डोंट वेस्ट योर मनी, लेट पेपर वर्क, इनकरेक्टली कंप्लीटेड सेल्स ऑर्डर, अनयूज कैपेसिटी, टाइम विद डिससेटिस्फाइड कस्टमर। ये एक्सेस गलत लिखा हुआ है, एक्सेस इन्वेंट्री। ओके, स्टॉकिंग जस्ट इन क्रिटिसिज्म ऑफ योर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी थिंग, कि आप जो चीज पे ध्यान दे रहे हो खाली उसी पे ध्यान नहीं दिया जाता क्वालिटी के लिए, यू हैव टू थिंक ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो। ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ पुअर एंड गुड क्वालिटी इज ऑब्वियस, अपियर अबव द सर्फेस ऑफ द वॉटर। द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट अंडर वॉटर हैज अज स्कोप। इफ यू आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव दिस कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। यही एक्चुअली कंक्लूजन है इन आइसबर्ग मॉडल। ओके, सो टूडे वी हैव टू स्टॉप हियर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। आई नो यू आर मोर इंटरेस्टेड टू रीड टूडे, बट अब आज और हो नहीं रहा है। जिनको जाना है उनके लिए हमें रास्ता देना पड़ेगा। बाकी पढ़ाई जारी रहेगी, कौन सा हम लोग विदा ले रहे हैं। अगले दिन फिर मिलते हैं। थैंक यू।